वेलकम बैक दोस्तों, कैसे हैं आप? उम्मीद करता हूँ कि आप अच्छे से होंगे। और आज हम बात करने वाले हैं, यहाँ पे देखिए डाइकिन का एसी है, और पहले आपको टनेज दिखा देता हूँ कि कितने टन का है। ठीक है, तो यहाँ पे मॉडल नंबर देख लीजिए। ठीक है, इस एसी में प्रॉब्लम यह है कि ये 10 मिनट भी चलता है, कभी 20 मिनट चलता है, कभी आधा घंटा भी चलता है। और अभी हम लोगों ने एसी को ऑन किया तो कूलिंग फर्स्ट क्लास आ रहा है। ठीक है, लेकिन क्लाइंट का कहना है कि आधे घंटे में या 20 मिनट में या कभी 10 मिनट में ये एसी जो है बंद हो जाता है। ठीक है, तो चलिए इसमें देखते हैं कि प्रॉब्लम क्या है। अभी हमने ऑन कर दिया है, कूलिंग भी फर्स्ट क्लास आ रहा है। तो दोस्तों, अभी इस बॉडी को हम लोगों ने खोल दिया है, एसी के बॉडी को। ठीक है, और इसमें हमने प्रॉब्लम देखा, इसमें प्रॉब्लम ये है जो ग्रीन लाइट है ये बंद हो जाता है, मतलब कि पूरी एसी जो है वो सडनली बंद हो जाता है पूरी तरीके से। ठीक है, तो ये अभी एक बार हुआ है और इसको अभी देखते हैं। अभी देखिए आउटडोर का सप्लाई हमारा छोड़ दिया। ठीक है, तो आपको दिखाते हैं कि पूरी तरीके से जो है लाइट इसकी बंद हो जाती है। ठीक है, तो चलिए थोड़ा वेट कर लेते हैं और देखते हैं। यहाँ पर जब देखेंगे डिस्प्ले में, तो डिस्प्ले में देखिए यहाँ पे जो है इसका स्विच भी काम नहीं कर रहा है। ठीक है, यहाँ पे देखिए, ठीक है, आवाज़ तो आ रहा है लेकिन इसका स्विच जो है वो काम नहीं कर रहा है, मतलब बंद नहीं होता। बहुत प्रेस करेंगे तो कभी कभी हो जाता है, लेकिन प्रेस करने पर भी नहीं हो रहा है। ठीक है, तो चलिए देखते हैं थोड़ा देर। तो दोस्तों, यहाँ पे देखिए इस तरीके से बंद होता है। ठीक है, अभी देखिए यहाँ पे जो है पूरे डिस्प्ले में लाइट नहीं आ रहा है। ठीक है, बंद हो चुका है। और यहाँ पे देखिए स्विंग हमारा धीरे धीरे बंद हो रहा है। ठीक है, इसका मतलब ये है कि हमारे एसी में सप्लाई तो आता है। ठीक है, सप्लाई आ रहा है तभी हमारा स्विंग बंद हो रहा है, लेकिन हमारा एसी जो है पूरी तरीके से बंद हो जाता है। अब इसमें प्रॉब्लम क्या होता है, या तो हो सकता है पीसीबी का ट्रांसफार्मर जो होता है वहां से लोड ना लेता हो तो प्रॉब्लम होता है, मतलब कि 10-15 मिनट 20 मिनट चलता है और अगर लोड कंटिन्यू नहीं ले पा रहा है तो भी ऐसा प्रॉब्लम होता है। नहीं तो ये जो स्विच है, ये जो स्विच दिया है इसमें ऑन ऑफ का, ठीक है, यहाँ से भी अगर पीछे से अगर कहीं पे टच कर रहा होगा आपस में यहाँ से, तो भी ये प्रॉब्लम होता है। ठीक है गाइस, तो अभी फिलहाल जो है हम लोग एक बार डिस्प्ले चेंज करेंगे और चेंज करके देख लेंगे। तो ऐसा जो प्रॉब्लम होता है, या तो ट्रांसफार्मर या तो कोई पीसीबी का पार्ट्स होगा जो लोड नहीं ले रहा है, या तो फिर हमारा यहाँ पे आपस में टच हो रहा होगा अंदर साइड में स्विच के नीचे। ठीक है, इसके लिए बंद होता है। तो दोस्तों, यहाँ पे देखिए, यहाँ पे अभी हम लोग न्यू डिस्प्ले लेकर के आ गए। ठीक है, और ये पुराना वाला डिस्प्ले हम लोग निकाल लेंगे। और न्यू डिस्प्ले कभी भी आप लेने जाइए तो यहाँ पर वायर काउंट कर लीजिए, मतलब कि यहाँ पे जो वायर है ना, ये 9 वायर वाला है और एक और आता है जिसमें 10 वायर होता है। ठीक है, तो ये बहुत लोगों के साथ जो है कन्फ्यूजन होता है। ठीक है, तो ये 9 वायर वाला अलग आता है और 10 वायर वाला अलग आता है। तो ये जो मैं लेके आया हूँ ये 9 वायर वाला है। ठीक है, और ये भी 9 वायर वाला है। ठीक है, तो अब चलिए इसको चेंज करते हैं और चेंज करके उसके बाद हम लोग देखते हैं कि क्या यही प्रॉब्लम बार बार आ रहा है या प्रॉब्लम सॉल्व हो गया। तो चलिए इसको चेंज कर लेते हैं। तो दोस्तों, यहाँ पे देखिए अभी हम लोगों ने न्यू डिस्प्ले लगा लिया है। ठीक है, और यहाँ पे जो है ये देखिए, यहाँ पे ये सब भी थोड़ा खराब हो गया था। यहाँ पे देखिए ये सब इसका जो प्रिंट है वो निकल चुका है। ठीक है, तो ये हमारा पुराना वाला डिस्प्ले है और न्यू डिस्प्ले हम लोगों ने डाल दिया। ठीक है, अब चलिए इसको स्टार्ट करते हैं। तो यहाँ पे देखिए स्विच किस तरीके से लगा हुआ है यहाँ पे। ठीक है, बंद करना हो तो ये और चालू करना हो तो ये, यहाँ से हमने चालू कर दिया। ठीक है, अब इसको जो है हम लोग रिमोट से चालू कर देंगे। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए अभी चालू हो चुका है। अब यहाँ पे बैठ के चेक करेंगे कि इसमें क्या प्रॉब्लम है, क्या वापस वही प्रॉब्लम आता है या हमारा प्रॉब्लम सॉल्व हो जाता है। ठीक है, तो चलिए इसको पहले हम लोग चेक कर लेते हैं थोड़ा देर तक। और दोस्तों, यहाँ पे देखिए जो उसमें स्विच काम नहीं कर रहा था, यहाँ पे देखिए इसमें जो है स्विच प्रॉपर तरीके से काम कर रही है। देखिए ये देखिए बंद हो गया। ठीक है, और इसको ऑन करेंगे तो यहाँ पे ऑन हो जाएगा। ठीक है, तो अभी हमारा स्विच भी प्रॉपर तरीके से काम कर रहा है। तो थोड़ा वेट कर लेते हैं और वेट करके देखते हैं कि क्या वापस वही प्रॉब्लम होता है या हमारा प्रॉब्लम सॉल्व हो जाता है। थोड़ा वेट कर लेते हैं। तो दोस्तों, यहाँ पर आप देख सकते हो कि अभी हम लोगों ने जो न्यू डिस्प्ले डाला है, ठीक है, इसको हम लोग जो है डाले थे 12:40 पे और अभी हम लोग कम से कम 40 मिनट चला चुके हैं, मतलब कि अभी जो है वो 1:40 1:20 हो रहा है। अभी फिलहाल टाइम जो है 1:20 हो रहा है। ठीक है, अभी तक हमारा एसी जो है परफेक्ट तरीके से चल रहा है। इतने देर में तो 10 मिनट में वो बंद हो जाता था, लेकिन अभी जो है नहीं बंद हो रहा है। ठीक है, तो डिस्प्ले का ही प्रॉब्लम था, इसकी वजह से एसी में प्रॉब्लम आ रहा था, बार बार जो है 10-15 मिनट चल के बंद हो जाता था। ठीक है, और इसका स्विच भी नहीं काम कर रहा था, अभी इसका स्विच भी काम कर रहा है। अब ये न्यू डिस्प्ले तो डाल दिया है, अब पुराने वाले डिस्प्ले में देखिए यहाँ पे जो है, यहाँ पे इसका प्रिंट जो है वो पूरा जो है खराब हो चुका है। ठीक है, यहाँ पे जो है पूरा खराब हो चुका है, इसके वजह से ये स्विच जो है काम नहीं कर रहा था। ठीक है,
तो गाइज अभी जो है एसी हमारा सही हो चुका है और अभी हम लोग इसको पैकिंग कर देंगे, जिस तरीके से हमने खोला था उसी तरीके से हम लोग इसको पैक कर देंगे, ठीक है गाइज। तो गाइज कैसा लगा वीडियो, वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक कर दें, और अगर आप हमारे चैनल पर न्यू है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को जरूर प्रेस कर लें ताकि आपको आने वाली हर लेटेस्ट वीडियो मिलते रहे। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया।